5 अगस्त 2011 को अमेरिका के केप कनावरल एयरफोर्स स्टेशन से जब नासा के जूनो स्पेस क्राफ्ट ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के लिए उड़ान भरी, तब इतना तो तय हो चला था कि जूनो आगे चलकर जुपिटर के ऐसे ऐसे रहस्यों को उजागर करेगा जिन्हें जानकर हम सब हैरान और उत्साहित तो होने ही वाले थे। साथ के साथ इस मिशन के चलते हम जुपिटर को और करीब से जानने वाले थे और कई मौकों पर जूनो ने ऐसा करके भी दिखाया। हाल ही में जूनो ने जुपिटर के सबसे ऊपरी वातावरण में कुछ ऐसा ही अनोखा रिकॉर्ड किया। अब ये असल मायनों में क्या था जानेंगे आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के एपिसोड में। साथ ही 9.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूदा एक गैलेक्सी क्लस्टर में खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अनोखी घटना को होते हुए पाया जिसमें मौजूदा गैलेक्सीज में नए तारों को जन्म देने की रफ्तार 900 तारे प्रति साल की दर से है। तो वहीं महज 57 प्रकाश वर्ष की दूरी पर साल 2013 में खगोल वैज्ञानिकों के हाथ एक अजीब ही ग्रह लगा। क्या है इन अपडेट्स के पीछे की छुपी जानकारी जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये खगोलीय वीडियोस उपयोगी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखें इस नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि भविष्य में जब भी कोई एपिसोड चैनल पर आए तो उसकी सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हाल ही में दो जर्नल्स जर्नल नेचर और जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में पब्लिश्ड हुई जूनो की जुपिटर पर हुई हालिया खोजों ने ये दिखा दिया कि जुपिटर को अब तक हम जितना समझ पाने में सक्षम हो पाए थे ये उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। जूनो की नई स्टडीज ने ये दिखाया कि जुपिटर का सबसे ऊपरी वायुमंडल दरअसल भयंकर कड़कती बिजलियों का घर है जिन्हें नाम दिया गया शैलो लाइटनिंग्स, एक प्रकार का अप्रत्याशित इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फॉर्म। हमारे ग्रह पृथ्वी पर जहाँ ये लाइटनिंग्स पानी के बादलों में उत्पन्न होती हैं, वहीं जुपिटर ग्रह पर उसके सबसे ऊपरी वायुमंडल में ये शैलो लाइटनिंग्स पानी और अमोनिया के घोल से बने बादलों में उत्पन्न होती हुई दिखाई दी हैं। एक और हुई नई खोज के मुताबिक जुपिटर पर दिखाई दिए इन हिंसक थंडर स्टॉर्म्स में अमोनिया और पानी युक्त हेलस्टोन्स यानी ओलों की भी पुष्टि हुई है जिन्हें जूनो वैज्ञानिकों की टीम ने मशबॉल्स का नाम दिया है। जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में इन मशबॉल्स यानी ओलों के पीछे की जो थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी है वो कुछ इस प्रकार है कि ये ओले जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में से अमोनिया और पानी को कैद करके जुपिटर के निचले वायुमंडल तक लाते होंगे और वापस से इवेपोरेट यानी भाप बनकर वायुमंडल में मिल जाते होंगे, ठीक ऐसे जैसे हम इस इमेज में इस प्रोसेस को देख भी पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जुपिटर पर इन लाइटनिंग फ्लैशेस को आज से पहले नहीं देखा गया था, ऐसा तब भी हुआ था जब नासा के वॉयजर मिशन ने इन भयंकर कड़कती बिजलियों को जुपिटर पर साल 1979 में भी रिकॉर्ड किया था। तब ये माना गया था कि जुपिटर पर दिखाई दिए लाइटनिंग्स ठीक वैसी ही हैं जैसी हम अपनी पृथ्वी पर देख पाते हैं, जो कि इन थंडर स्टॉर्म्स में तभी दिखाई पड़ती हैं जहां पानी किसी भी फेज यानी अवस्था में पाया जा सकता है, आइस, लिक्विड या गैस फॉर्म में। वैज्ञानिकों की माने तो जुपिटर पर ये लाइटनिंग्स इसके ऊपरी वातावरण में दिखाई पड़ते बादलों से तकरीबन 45 से 65 किलोमीटर नीचे पैदा होने वाले तूफानों में उत्पन्न होती होंगी जहां पर वातावरण का तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता होगा, वो तापमान जहां पर पानी जम जाता होगा। वॉयजर और अन्य दूसरे मिशंस जो जुपिटर पर उसको स्टडी करने के लिए पहुंचे उन सभी से प्राप्त डेटा में ये साफ था कि उन्होंने जुपिटर पर दिखाई पड़ते उसके ऊपरी बादलों में इन लाइटनिंग्स को ब्राइट स्पॉट के रूप में ऑब्जर्व किया था जो ये दर्शा रहा था कि ये फ्लैशेस जुपिटर पर गहराई में मौजूद इसके वाटर क्लाउड्स में ही उत्पन्न हुई थी। लेकिन जुपिटर पर हाल ही में उसके डार्क साइड पर दिखाई पड़ी लाइटनिंग फ्लैशेस जिसे जूनो ने जूनो स्टेलर रेफरेंस यूनिट इंस्ट्रूमेंट से उस वक्त ऑब्जर्व किया जब वह जुपिटर पर क्लोज फ्लाईबाय के दौरान इसके बादलों को ऑब्जर्व कर रहा था, तब डार्क साइड पर दिखाई पड़ी ये लाइटनिंग फ्लैशेस अलग ही कहानी बयान कर रही थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक तो ये लाइटनिंग फ्लैशेस छोटी थी और तो और ये जुपिटर के वातावरण में पहले के अनुमान से काफी ऊंचाई पर उत्पन्न हो रही थी। हाइडी बेकर जो इस स्टडी को लीड कर रही थी उनका और उनकी टीम का मानना है कि जुपिटर के ताकतवर थंडर स्टॉर्म्स वाटर क्लाउड से वाटर आइस क्रिस्टल्स को ग्रह के ऊपरी वातावरण तक लगभग 25 किलोमीटर तक ऊपर ले आते होंगे जहां इन आइस क्रिस्टल्स का सामना ऊपरी वायुमंडल में मौजूद अमोनिया वेपर से होता होगा जिसके चलते आइस क्रिस्टल्स पिघल जाते होंगे और इसी के चलते निर्माण होता होगा अमोनिया और पानी के मिश्रण से बने वातावरण का। जुपिटर पर इतनी ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लगभग 88 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता होगा जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है कि प्योर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। इतनी ऊंचाई पर मौजूद अमोनिया
एंटी फ्रीज का काम करती होगी जो इस मिश्रण को जमने नहीं देती, और यही निर्माण होता है उन बादलों का जिनमें अमोनिया पानी युक्त तरल मौजूद होता है। इस नई स्टेट में अमोनिया पानी युक्त ये बादल बारिश के रूप में बरस जाते होंगे, और इस मिश्रण की ये बूंदें गहराई में मौजूद वाटर क्लाउड्स में वाटर आइस क्रिस्टल से टकराकर इन भयंकर कड़कती बिजलियों को जन्म देती होंगी, जिन्हें जूनो ने हाल ही में जुपिटर के सबसे ऊपरी वायुमंडल में जुपिटर की डार्क साइड की ओर देखा। और इसी प्रोसेस में जुपिटर के हिलस्टोन्स यानी ओलों का भी निर्माण होता होगा जो जुपिटर में अपने वजन के चलते और गहराई तक पहुंचते होंगे, जहां वातावरण के गर्म होने के साथ ही ये पिघलकर इवेपोरेट हो जाते होंगे। वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना है कि जुपिटर के ऊपरी वातावरण में दिखाई दिए अमोनिया कारण है इन्हीं हेलस्टोन्स का, जो इस साइकिल के चलते ही और ज्यादा अमोनिया को जुपिटर की गहराइयों में से ऊपर वायुमंडल में लाने का काम करते होंगे। और इसी तरह ये प्रोसेस जुपिटर पर चलती रहती होगी, जिसका परिणाम है जुपिटर पर सबसे ऊपरी वायुमंडल में दिखाई पड़ी ये ताकतवर शैलो लाइटनिंग्स। खैर, अगली अपडेट एक ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर को लेकर है जिसमें वैज्ञानिकों ने कुछ बेहद असाधारण सा होता हुआ पाया है। ये गैलेक्सी क्लस्टर है स्पार्क्स 10492.6+564032.5, जिसे शॉर्ट में स्पार्क्स 1049 भी कहा जाता है। ये गैलेक्सी क्लस्टर हमसे तकरीबन 9.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, और नासा के हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी क्लस्टर में ये पता लगाया कि यहाँ मौजूद गैलेक्सीज में नए तारों को जन्म देने की दर हद से ज्यादा तेज है। इस क्लस्टर में वैज्ञानिकों ने 900 तारे प्रति साल की दर से पैदा होते हुए ऑब्जर्व किए हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में 300 गुना ज्यादा तेज गति से। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर इस रफ्तार से हमारी आकाशगंगा तारों को जन्म देती तो इसमें मौजूद जितने भी तारे हैं वो महज 10 करोड़ सालों में ही अस्तित्व में आ चुके होते, जो बहुत ज्यादा कम समय है हमारी आकाशगंगा की उम्र की तुलना में। तारों के जन्म लेने की इस रफ्तार का कारण जब वैज्ञानिकों ने नासा के चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप और दूसरे टेलीस्कोप से पता लगाने की कोशिश की, तो इन टेलीस्कोप्स की ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि इस गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में मौजूद सेंट्रल गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल बेहद ज्यादा शांत है, जिसे आमतौर पर दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर्स के केंद्र में मौजूद गैलेक्सी में बेहद ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक देखा जाता है, जो क्वेजार के फॉर्म में अक्सर मटेरियल को इजेक्ट करता रहता है। यही सुपर हीटेड मटेरियल क्लस्टर में मौजूद उन कोल्ड गैसेस को गर्म कर देता है जो कंडेंस होकर आगे चलकर क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज में नए तारों को जन्म देती। बेसिकली ये हॉट गैस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज में तारों के जन्म दर को नियंत्रण में रखती है, पर ऐसा कुछ होता हुआ वैज्ञानिकों ने इस क्लस्टर में नहीं देखा है। क्लस्टर के केंद्र में मौजूद गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल शांत क्यों है, वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके इसी शांत स्वभाव के चलते इस क्लस्टर में केंद्र से 80,000 प्रकाश वर्ष तक के दायरे में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनमें नए तारों का जन्म बेहद ज्यादा रफ्तार से होता हुआ देखा गया है, जो वाकई चौंका देता है। बहरहाल, आखिरी अपडेट एक ऐसे खूबसूरत ग्रह को लेकर है जिसकी चर्चा नासा ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर की है। ये ग्रह जाना जाता है GJ504b नाम से। इसकी खोज साल 2013 में हवाई में मौजूद सुबारू टेलीस्कोप के जरिए इसके ब्राइट स्टार GJ504 और इस ग्रह से प्राप्त होते इंफ्रारेड सिग्नेचर्स के चलते हुई थी। इस ग्रह को जो बात दूसरे ग्रहों से अलग करती है वो है इस पूरे ग्रह का रंग, जो डार्क चेरी ब्लॉसम या डल मैग्नेटा और पिंकिश रंग का है। ये दरअसल एक गैस जायंट है जो मैस में जुपिटर से 4 गुना तक ज्यादा है, पर आकार में जुपिटर के लगभग बराबर है। डायरेक्ट इमेजिंग तकनीक के जरिए सूर्य जैसे किसी दूसरे तारे के इर्द गिर्द खोज निकाला गया। ये एक कम द्रव्यमान वाला ग्रह है। अक्सर दूसरे मिले गैस जायंट प्लैनेट्स आकार और द्रव्यमान में जुपिटर से ज्यादा ही मिलते आए हैं। इस ग्रह का औसतन तापमान 237 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है, और इसका तारा G0 स्टेलर टाइप श्रेणी का तारा है जो हमारे सूर्य से थोड़े ज्यादा गर्म होते हैं। वहीं विर्गो नक्षत्र की ओर नग्न आंखों से इसे देख पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है। वैसे तो ये तारा हमसे महज 57 प्रकाश वर्ष दूर ही मौजूद है। इस तारा मंडल की उम्र का अंदाजा वैज्ञानिकों ने इस तारे की रोटेशन पीरियड और इसके रंग के आधार पर महज 16 करोड़ वर्ष का ही लगाया है, जो इस सिस्टम को काफी यंग साबित करता है। बहरहाल, इस तारा मंडल का असल आकर्षण तो इसमें मौजूद ये अनूठा ग्रह है, जो वाकई एक खूबसूरती की मिसाल है। वेल, तो आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वाकई ऐसा है
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।